Well, फिल्म थी बहुत बढ़िया इसदा, मेरी सास मुझे कहती है चढ़िया इसदा। हाँ बढ़िया बहुत थी फिल्म भैया, लेकिन बहुत डरावनी नहीं थी। हाँ फिल्म बहुत डरावनी थी, असल में मैं सचमुच में डर गया था। भैया वो चुड़ैल याद है आपको, वो एकदम से आके एकदम कैसे हंसी हंसती है ना वो। और वो भूत, वो जो लोगों की गर्दन में अपने दांत गड़ा के उनका खून पी के उनका राम नाम सत्य कर देता है। Well, ऐसी बातें मत कर इसदा, मुझे लग रहा है बहुत डर इसदा। नहीं भैया मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी अभी पिक्चर देखी ना तो दिमाग में सारे सीन आ रहे हैं। एक वो सीन याद है आपको, वो जिसमें अचानक से दरवाजा खुल जाता है। Well, डर के मारे मेरा हो जाएगा हार्ट फेल इसदा, तुम्हें हो जाएगी जेल इसदा। तो भैया फिर आप ऐसी फिल्में देखते क्यों कि बाद में डर लगे? मैं तेरी पिटाई करूंगा, मुझे मालूम है तू जानबूझ के मेरे साथ ऐसी बातें करता मुझे डराने के लिए, मुझे मालूम है। नहीं भैया मैं नहीं करता हूँ भैया। गब्बर सिंह मैं आ गया हूँ, गब्बर सिंह तूने मेरे दोस्त चाय को मुझसे दूर किया। गब्बर सिंह मेरा वो दोस्त जिसके साथ मिलके मैं गाना गाता था, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा गब्बर सिंह, मैं तुझे चार से मार। क्या हो रहा है? इसके कान मरोड़ो, कान मरोड़ो। ये लो। अरे मेरे मेरे नहीं, इसके इसके। सॉरी दादाजी, ये लो। अजीब लोग है यार, मैंने अपनी दुकान बंद कर दी, मैं तो चलता हूं। सुनो हाँ, दुकान का ध्यान रखना, सो मत जाना, जब देखो ड्यूटी पर सो जाते हो। अरे भाई साहब अब आप जाइए, और हमारी जो ये आंख है ना वो एक पल भी नहीं झपकेगी। अरे मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आप निश्चिंत होके जाइए, सब ठीक ठाक रहेगा यहाँ पे। सच में जाऊँ? अरे तो क्या लिख के दूँ? जा रहे हैं ना, डरा के रहे हो। बड़े यार काम कर यार। क्या हुआ भैया? मेरी नस चढ़ गई यार, एक थोड़ा सा ना इसको यहाँ मल दे, बिल्कुल हौली हौली है, आराम नाल, बस ऐसे तो ना चले जैसे चीटी रेंग रही है, आराम नाल। वेरी गुड, सारे जो है पेंडिंग फाइलें रिकॉर्ड वगैरह सब मन ने दिखाओ, जितने पेंडिंग केस पड़े हैं मैं देखना चाह रही हूँ, क्यों पड़े, कब से पड़े, कहाँ पड़े हैं और सॉल्व क्यों ना हुए, सब साफ करूंगी आज मैं। जी मैडम। आइए आइए। एक्सक्यूज मी मैडम। क्यों क्यों कर देते हैं ना एक्सक्यूज, तू खान फैमिली का कोई मेंबर हो रहा है, अरबाज खान, सोहेल खान, हेलेन आंटी। नहीं मैडम मैं चौराहा हूँ, पिक्चर दिखाओ यार। चौराहा? तू चौराहा तो थारी अम्मा कौन है गली, और डैडी कौन है हाईवे, और भाई बहन कौन है सबवे फ्लाईओवर। इस चौकी में मजाक सिर्फ मैं करूंगी, तुम लोग हंसोगे। क्लियर? जी 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 मैडम जी। भाई बहन कौन है फ्लाईओवर सबवे। <laughs> <laughs>
वाला. What is the name is the बिजनौर में ट्रैफिक जेम is the. ये कहा ना अभी मेरा नाम चौराहा है. हाँ, पिक्चर दिखाओ यार. अरे चलो यार तुम्हें पिक्चर ही दिखा देते हैं. कौन सी पिक्चर देखोगे तुम? कमरिया पे काटे बिच्छू. मतलब हम क्यों तुम्हें पिक्चर दिखाएं यार, खुद देख लो. तो यहाँ पिक्चर देखना है? आए, 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 आए. नहीं मैडम, यहाँ पे मैं FIR लिखवाने आया हूँ. पिक्चर दिखाओ यार. Well, dude, what is the matter? Is the जल्दी स्टार्ट करो. जनरेटर is the. देखिए मैडम, चिटपुटियागंज में मेरी सोने चांदी की दुकान है. सोने चांदी की दुकान है तो उसमें क्या बेचते हो? शाबाश. अबे तू क्यों आज जो है नीली बनियान के रंग की तरह छूट रहा है? खड़ा रहना चुपचाप गोल मुंह का. अरे तुम बोलो यार. हाँ तो मैडम, मेरी दुकान में एक नौकर काम करता है, उसका नाम है कटलेट. कटलेट कनौजिया. पिक्चर दिखा यार. तो मैडम, वो कटलेट कनौजिया है ना, वो बड़ा ही काम चोर आलसी निकम्मा है. माने बिल्कुल काम ही नहीं करता है, इसलिए मैंने उसको थोड़े दिन पहले निकाल दिया. तभी कुछ दिन पहले वो वापस आया दुकान में, रोया, गिड़गिड़ाया, मेरे पैर छुए, कहे कि प्लीज सेठ, अब मैं कभी नहीं करूँगा ऐसा, मैं काम करूँगा ऐसा कहा. तो मैंने उसको अपनी दुकान में नौकरी पर रख लिया वापस. तो मैडम, एक महीने में उसने मेरा पूरा विश्वास संपादन कर लिया, मेरा दिल जीत लिया. तो अब कल शाम को मुझे जल्दी घर जाना था, क्योंकि आज मेरी बीवी की बर्थडे थी, इसलिए मुझे कल शाम को जल्दी निकलना था. तो दुकान की चाबी उसे देकर मैं निकल गया. पिक्चर दिखाओ यार. एक मिनट, आज तुम्हारी बीवी का जन्मदिन है? अब यार कमाल करते हो यार तुम. तुम्हारी बीवी का बर्थडे और तुम इस तरह खाली आता गए, मतलब लड्डू तो बनता है. रैपता तो बनता है. सॉरी. तो मैडम, मैं सुबह माने बीवी को दर्शन करवा के मंदिर में जाकर उसे घर छोड़ के वापस दुकान पे आया. तो मैंने देखा कि दुकान तो लूट चुकी है. पिक्चर दिखाओ यार. दुकान लूट गई थारी. वो कटलेट कहाँ है? वो तो गायब है चटनी के साथ. चटनी? ये चटनी कौन है? मैं मजाक कर रहा था. हाय हाय. अबे दुकान लूट गई है, कौन सा मजाक कर रहा है तू? यहाँ खड़े खड़े जिम कैरी हो रहा है तू? चल ठीक है, हम अपनी टॉप की इंटेलिजेंस टीम भेजेंगे. वो कौन मैडम? आएंगे जा खड़े में, ये आएंगे. ये बहुत बेइज्जती हो रही है हमारी. इसका इस्तीफा तैयार करो गोपी का. नहीं नहीं, इट्स ओके. तो रोज का काम है जी, आंख पड़ गई. तो चोरी इसी दुकान से हुई है. सर आप भी कमाल करते हैं सर. सर ये इसकी दुकान है, इसने FIR लिखवाई है, तो चोरी इसकी दुकान में ही हुई होगी ना, मेरे घर में थोड़ी ना हुई होगी. एक बात बताए गुलगुले, हम जहाँ पिछले बार पोस्टेड थे ना, एक हवलदार ने हमसे ऐसी बात की थी, हमने से गोली मार दी. एक्सक्यूज मी, जब सब ये हुआ तब कहाँ था वॉचमैन? इस दा लप्पी से मिले बिना मुझे नहीं है चैन इस दा. वाह शाबाश, क्या बात है भैया. आपको पता है इस बात के लिए आपको रिटायरमेंट से पहले एक दिन का तो प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा. वाह थैंक्स. वॉचमैन वहां पे क्या कर रहा है? चाय मत पी, यहाँ पे आ. हाँ तो ये है वॉचमैन हमारा. पिक्चर दिखाओ यार. वॉचमैन भैया. जी साहब. साफ साफ बताओ कि कल रात को क्या हुआ? अरे होना क्या था साहब जी, अरे हम खाना वाना खा के जो है रेडियो सिलोंग पे हम गाना वाना सुन रहे थे हपक के. तभी साहब हमको जो है ना ये कटलेट कनौजिया की जो आवाज वाज सुनाई पड़ी, तो हमने सोचा कि अरे कोई काम वाम की वजह से वाया वाया होगा. बस साहब तभी जो है हमारे सिर पर जोरदार डंडा वंडा पड़ा हपक के, और हम बेहोश होश होके गिर पड़े. और उसके बाद साहब जी क्या हुआ हमको कुछ अता पता नहीं चला, लेकिन हाँ जब हमको होश आया ना तब जाके हमको ये पता चला कि दुकान उकान लूट उठ गई है हपक के. सर सर यहाँ पर आते हुए मैंने सर दरवाजे पे ताला भी देखा सर.
और ताला एकदम सही का सही है सर, मतलब उस ताले को तोड़ा नहीं गया है, जो भी आया है वो चाबी से ताले को खोल के आया है। Well, excuse me, चाबी से खोला गया ताला इसका, ये कान कटलेट ने कर डाला है इसका। मेरा कंचे तूने चुराए ना? भूला। कुछ हुआ था क्या? होगा बेटा, बहुत कुछ होगा। इन फिलहाल इनसे कटलेट का एड्रेस लो और कटलेट को चौकी भेजो, समझे? राइट सर। वो उधर रखो बे। हाँ वो ही लो ही लो। चलो चलो चलो। क्या यार ये मिठाई मिठाई? Well, मैंने खरीदा है एक नया सेकंड हैंड स्कूटर इसका। लगती है मोहब्बत की तितली, मैं हूँ इश्क का कबूतर इसका। अरे मैडम बाहर ही खड़ा है, चलिए ना देखते हैं इसका सेकंड हैंड स्कूटर। सेकंड हैंड स्कूटर, सेकंड हैंड। अबे चीज हो कोई बढ़िया, ब्रांड न्यू, एकदम शोरूम से टकाटक, बिल्कुल चमचमाती क्रिस्पी सी निकले। आइए आइए आंटी, आइए। कौन आया यार? अजीब सा आदमी आया। आदाब बजाती हूँ। क्या बजा रही है? आदाब आदाब बजाती हूँ। आजकल आती नहीं सारे से कहनी वाला। नहीं नहीं मैडम, गलती लग रही है। देखिए दरअसल बात यह है कि जवानी में ये रसीली बानों के यहाँ गाया करती थी, इसलिए ऐसी आदत है। चुहिया चिलमन में पोई। मैडम हमने सुना कि आपने हमें बुलाया, इसलिए हम यहाँ चले आए। देखिए ये है कटलेट की माँ और मैं हूँ कटलेट का दोस्त, चिरकुट चिरौंजी, चुहिया चिलमन में है पोई। चुहिया तो चिलमन में है, थारा दोस्त कौन सी चिलमन में छुपा बैठा है? सेठ की दुकान लूट के कटलेट। ए मैडम एक मिनट, अगर आप इन्हें चोर कहेंगी एक बार को तो मैं मान भी लूंगा, एक बार को आप उन्हें ठगू कहेंगी तो मैं मान लूंगा, और वो जो सज्जन खड़े हैं उसे अगर आप उठाई गिराई कहेंगे तो भी मैं मान लूंगा मैडम, लेकिन मेरे ईमानदार दोस्त कटलेट कनौजिया को अगर आप चोर कहेंगी तो नहीं नहीं ना 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 ना, ना मैडम मैं नहीं मानूंगा। पता नहीं मेरे बेटे को किसकी नजर लग गई। मैडम हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। हजूर आजकल आते नहीं। अरे देखिए ऐसा है कि उस दुकान के सेठ ने बयान दिया है कि उन्होंने अपनी दुकान की चाबी उसको अपने क्या नाम है आपके बेटे का कटलेट को दी थी। और जिसने चोरी की है यानी कि जो चोर है उसने ताला तोड़ा नहीं है, ताला खोला है। और चाबी किसके पास थी? कटलेट के पास। देखिए सारे के सारे सबूत और सारे के सारे गवाह चीख चीख के पुकार के कह रहे हैं कि गुनेगार कोई और नहीं बल्कि कटलेट है, गुनाह जिसने किया है वो इंसान एक ही है और वो है आपका बेटा कटलेट। सुला दे वकील को, जरूरत ना है उसकी। सुला देता हूँ। क्या कहाँ है कटलेट? ए जी मैडम मैं आपको सच बताऊं मैडम तो हमें कुछ नहीं पता। ऐसा है थारा ये जो दोस्त है ना कटलेट, ये किसी भी कढ़ाई में तल रहा हो, छुपा बैठा हो, उसे तो हम ढूंढ निकालेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर तुमने यो पता लग गया कि यहाँ आके दोनों जो है माँ और दोस्त ने झूठ की रेल लगाई है और वो जहाँ छुपा है तुम्हें बेरा है या तुम नहीं उसे छुपाया है तो फिर जो होगा। समझ गया मैडम समझ गया। चुहिया चिलमन में आप बजाता हूँ। हे यार बिल्लू क्या हो गया, क्या हो गया यार? अंदर से यहाँ लेके आया बाहर, क्या हुआ? भैया मैं आपसे ना एक बात पूछना चाह रहा था। पूछो। भैया क्या आप मुझे दिल से अपना छोटा भाई मानते हैं? नो, घुटनों से मानता हूँ। कमाल करते यार, पूछने की बात है कोई? तुम्हें दिल से चाहता हूँ यार मैं, कमाल है, बोल क्या बात है? भैया मैं ना एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। क्या हो गया, क्या हुआ, कौन सी मुसीबत में फंस गया भाई? भैया मेरी ना एक गर्लफ्रेंड है स्वीटी,
उसका बर्थडे आने वाला है, तो चक्कर ये कि आप तो जानते हैं मुझे तो अभी अभी 2-3 महीने हुए हैं नौकरी ज्वाइन किए यहाँ पे, और मेरे घर के हालात भी कोई आपसे छुपे नहीं है, लेकिन मेरी हैसियत तो कुछ है नहीं, लेकिन आपको तो बहुत साल हो गए पुलिस की नौकरी करते हुए, आपने तो बहुत माल पेल लिया होगा। वाला तो मतलब बहुत आपने सेविंग की होंगी ना, बचत बहुत सारी? नहीं इतने भी नहीं की है, ठीक है बस खर्चा पानी चला लेता हूँ। भैया मैं सोच रहा था कि मैंने उसको मतलब जो आप अगर मुझे 5,000 रुपए दे दें तो। 5,000? अरे यार जिंदगी भर जो मुझे गिफ्ट मिले हैं ना, अगर मैं टोटल लगाऊं तो वो 5,000 के नहीं होते। तू ऐसा कौन सा गिफ्ट दे रहा है यार 5,000 का? भैया मैं गिफ्ट नहीं, मैंने प्लान किया था कि मैं उसको ना 5-स्टार में ले जाके डिनर करा दूंगा। लेकिन भैया मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मैं अपना पेट काट के भूखा रह के कुछ भी करके मैं आपकी रखूंगा नहीं पाई पाई, मैं आपके चुका दूंगा, 1 रुपये भी आपका नहीं रहने दूंगा मैं, क्योंकि मैं ऐसे नहीं। भैया प्लीज आप दे दो ना मुझे। भैया कैसे मुझे इमोशनल कर देता है यार। ओए होए 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 होए। यार 5,000 तो नहीं है मेरे पास, 5,000 थोड़ी लेके घूमता हूँ मैं, मेरे पास थोड़े बहुत हैं और उसमें से थोड़ा बहुत बचाना भी पड़ते ना मेरे को शाम के लिए, बाकी जितने अभी मेरे पास पैसे हैं उतने में तू उसको 5-स्टार में खाना नहीं खिला पाएगा यार। कोई बात नहीं भैया, जितने उतने दे दो, मैं उसको ठेले पे खिला दूंगा। वाला ठीक है देखता हूँ कितने। आज मैंने नहीं खाती। तू मेरा बचवा तू चुराता है। मैं तेरी माँ को 3 दिन से स्कूल लेके जाता है, मेरे बचवे से पैसे निकाल के स्कूल लेके जाता है, इसलिए पैदा किया था तुझे, लेके जाता था ये बच्चा पैदा किया मैंने। मैं भूला नहीं था। अरे ए, तुझे कितनी बार कहा है कि तू है ना बाहर आकर अंदर मत आया कर, जब भी अंदर आता है तब चाय पीते रहता है, और तुम क्यों बोलती नहीं हो, जब से आई हो तब से कह रही हो मेरा आवाज चला गया, मेरी आवाज बैठ गई है, मुझे 5 चाय पिलाओ। अरे 10 चाय पिलाई, अब तो बोल तू। हाँ अरे पिक्चर दिखाओ यार। आ गए शोर का मचा रहे हो सेठ जी, आ गए, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। यही वो लड़की है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लड़की। इंस्पेक्टर साहब जो सामान मेरी दुकान से चोरी हुआ था उसमें से एक हार ये भी है जो इस लड़की ने पहना हुआ है, पिक्चर दिखा भी यार। अरे तुम मैं वेल ये बात पे तुम हो इतना कैसे श्योर इज द आई लाइक लता रफी किशोर इज द दादाजी ये मेरा माल है। मतलब कि ये मेरी दुकान का माल, मतलब कि हार है, इस हार पे इस दुकान की मोहर भी लगी हुई है, पिक्चर दिखा भी यार। अरे साहब जी हम तो ये कहते हैं कि हो ना हो ये लड़की वड़की उस चोरी वोरी के बारे में जानती वानती जरूर होगी, हपक के। देखो लड़की हमारी मैडम तुम्हारा खाना पीना सोना सब कुछ दुश्वार कर देंगे, इसलिए साफ साफ सच सच बता दो कि हार तुमको किसने दिया? लल्लू ने। लल्लू? कौन लल्लू? बता दे, देख हम बहुत जोर से मारते हैं, बता दे। लगी सर ये 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 बेल्ट सर, इसके ऊपर कोशिश करेंगे तो कुछ हाथ हटा। मत मारो सर। गिरगिट घुस गया गमले में, बिच्छू मर गया आमले में, और अब गोली घुसेगी वो भी छाती में। अबे जल्दी बोल, पूरा दिन ना पड़ा है हमारे पास। थारा वो पार्टनर जिसके संग मिलके तैने जो है सेठ की दुकान लूटी, क्या नाम है उसका, कटलेट कनौजिया,
और बाकी का चोरी का माल कहाँ है? अरे नहीं नहीं शांति, मैं सच कह रहा हूँ, वो हार चोरी का नहीं है। गिरगिट घुस गया गमले में, बिच्छू मर गया हमले में। सही है सही है, ये हार चोरी का नहीं, सीना जोरी का है। मैडम ये आदमी जरा एक बार मेरे हवाले कीजिए, मैं इसे डंडों से सूतूंगा, डंडों से। नहीं 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 मैडम, इसको आप मेरे हवाले कीजिए, मैं इसको गन्ने के रस की मशीन में डाल दूंगा। Well, इसको कर दीजिए मेरे हवाले इज़दा, चाहे पीटते पीटते निकल आए मेरे हाथ में छाल दे इज़दा। अबे चल चल चल, लीव दिस टॉपिक। दादा जी, पीटो इसको पीटो, ये मुझे चोरी का हार पहनाता है और मुझे फंसाता है। बस और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। मैं अब सच बोल के रहूंगा। अबे चिल्ला क्या रहा है बे, बोलना तो बोल दे, हार कहाँ से आया, जल्दी बता वरना और देंगे। मैं बता दूँ सर, बताता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मैंने वो हार नहीं चुराया था, वो हार मुझे किसी ने दिया था। और यो किसी कौन से? अरे अरे मैडम, वो और कोई नहीं है, सेठ जी की बीवी है। सेठ चौराहा की बीवी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.